आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, MCQs भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैब केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न हो रही होती है तो उस समय कुछ उत्पाद ऐसे बनते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं। ऐसे उत्पादों को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। यहां पर लिखे हैं रासायनिक अभिक्रिया के समय मध्य बनने वाले कुछ अस्थायी क्रियाकारक होते हैं जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं और ये कुछ समय के लिए रिएक्शन के दौरान बनते हैं। हम जब रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इस तरह के इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं वो सबसे पहले हम जानकारी ले लें। इसमें आएगा फ्री रेडिकल, जिसको कहा जाता है मुक्त मूलक। कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन, इसी तरह से कार्बेनियंस, कार्ब रेनायन, कार्बिन नाइट्रिन और बेंजाइन, ये तीनों को हिंदी में भी यही कहा जाता है। फ्री रेडिकल वो क्या होते हैं, सिंपल सी बता देता हूं, फिर डिटेल्स पढ़ेंगे। आप ये सोचो कि क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ इस तरह से होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर है, तो हम इसको एक इंटरमीडिएट मानेंगे अगर ऐसा कुछ बनता है रिएक्शन के दौरान। तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में एक्टिव रहेगा और इस तरह से इसकी एक वैलेंसी बचेगी। हम इसको इस तरह से Cl डॉट लगा सकते हैं क्योंकि इसकी एक वैलेंसी खाली है, वो बंद बनाने के लिए तैयार है और यह बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होगा। इसको कहेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक तरह का इंटरमीडिएट है, यानी मध्यवर्ती है। यह कैसे बनता होगा, सिंपल से एक एग्जांपल से बता दूं। दो क्लोरीन परमाणु में सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यह बंध वाला इलेक्ट्रॉन जो है, यानी बॉन्ड जो है, होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा। आपको होमोलाइटिक फ्यूजन क्या है, हेटरोलाइटिक फ्यूजन क्या है, यह मैंने जस्ट पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा, यानी समांश विखंडन करेगा बंध का। तो उनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन उन क्लोरीन के पास चलाएगा और इस तरह से दो फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसी तरह से मान लेते हैं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड में इस जगह का बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, तो इस जगह से जो बना, एक बना CH3 डॉट अपनी वैलेंसी के साथ और दूसरा बना Cl। यहां पर एक मिथाइल फ्री रेडिकल है और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल है। यहीं पर आप देखिएगा, यदि इस तरह से हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो यहां पर, जैसे यहां पर हो रहा है, तो एक बन जाएगा CH3+ और Cl-। यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रही है, नया जनरेट हो रहा है, हमने उसको डॉट के रूप में दर्शाया है, डबल डॉट के रूप में दर्शाया है, एक साथ जोड़ी के रूप में। तो कार्बन पर जब धनावेश आ जाता है और इस तरह का कोई इंटरमीडिएट बनती है तो उसको कार्ब धनायन या कार्ब कैटायन कहेंगे। लेकिन कार्बन पर अगर ऋणावेश आ जाता है तो उसको कार्ब एनायन कहेंगे। तो उसमें एक एग्जांपल देख लें। मान लेते हैं ऐसा कोई बॉन्डिंग है, और यहां पर बॉन्ड इस तरह से टूट रही है, तो बन गया
CH3O- इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, और यहां पर बच गया है आपके पास इलेक्ट्रॉन प्लस CH3, तो ये कार्बोकैटायन बना, यहां पर भी ये कार्बोकैटायन है, ये बॉन्डिंग है, और इलेक्ट्रॉन यदि इस तरफ मूव कर गई तो CH3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ और Na प्लस बन गया, तो ये कार्ब एनायन कहलाएगा। तो जिसमें प्लस चार्ज होता है कार्बोकैटायन, कार्बन पर प्लस चार्ज ना, कार्बन पर ऋणावेश होता है तो कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल में कोई चार्ज नहीं होती है, न्यूट्रल होता है, कार्बन न्यूट्रल होता है, लेकिन कार्बन पर दो वैलेंसी, दो बॉन्ड होने के बाद दो इलेक्ट्रॉन इसमें या तो पेयर फॉर्म में रहेगा या अनपेयर फॉर्म में रहेगा, इस स्थिति में कार्बन कहलाता है। नाइट्रिन में भी ऐसे ही, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, दो बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड रहेगा और दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा इस तरह से, तो यह कहलाता है नाइट्रिन। बेंजाइन, बेंजाइन में आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो अभिक्रिया के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करती है, इन्हें हम इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती कहते हैं। इन मध्यवर्ती में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। तो आगे देखें, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, मुक्त मूलक होता क्या है? हम सबसे पहले ये बात जान लें कि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनने वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को मुक्त मूलक कहते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दो क्लोरीन परमाणु में आपस में जुड़ी हुई है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को हम कुछ इस तरह समझेंगे कि दो परमाणु में ClCl आपस में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और वो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन एक तरफ उसके तरफ चला गया, और इस तरह से हो गया Cl पर अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl पर भी अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर बनने वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहेंगे। इसे इस एग्जांपल में भी समझ लें, CH3Cl। वैसे आप चाहें तो आप इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लिख सकते हैं, और इस जगह पर फ्री रेडिकल कैसे बना? होमोलाइटिक फ्यूजन से CH3। कार्बन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरी क्लोरीन पर देखें इस तरह से तीन पेयर है और एक अनपेयर आ गया, तो हम इसको दर्शाने के लिए हम Cl डॉट लगा सकते हैं। हमने इसको नहीं दिखाना है, हमें उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, और इस प्रकार से इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो क्या क्या बातें हैं देखिए, वे परमाणु या समूह जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर बोलते हैं कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। देखें अगर हम यहां पे बात करें या इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ओड नंबर में है, यानी 6 नहीं है, 8 नहीं है, 4 नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है, ओड नंबर में है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम संख्या में है। विद्युत उदासीन होते हैं, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, क्योंकि उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी क्लोरीन में लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने शेयरिंग किया था उसके साथ, दूसरे क्लोरीन के साथ या मिथाइल के साथ, तो कितना हुआ? जब ये टूट गया तो अपना ही इलेक्ट्रॉन रखा है ना इसने, तो इस तरह से ये क्या हुआ? फ्री रेडिकल है, विषम संख्या में होते हैं, उदासीन होते हैं, इसमें किसी का कोई चार्ज नहीं होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं। इसमें कार्बन पर है तो कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनती लगा देते हैं, ये 2 2 तो कितना हुआ? 6, 2 4 6 और ये 7, कार्बन पर 7 इलेक्ट्रॉन हुआ बॉन्डिंग के बाद भी। दूसरी बात है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जितने होंगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाना है हमने बता चुके थे, आपको याद हो तो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ LP। तो इस जगह पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, और इसमें कोई भी LP नहीं है, 0, टोटल हुआ 3। और आपको पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने वाले कक्षक हैं तो ये S और ये B होते हैं 3, तो इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? 3, तो क्या हुआ? एक S और 2 P पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। रिवीजन हो गया, बातों को बार बार आप लेते जाओगे आपको सीखने का मौका मिलेगा। इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। नंबर अगर सिर्फ 2 आता है तो 1 2
एसपी हाइब्रिडाइजेशन, फोर आता है तो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है आपका। तो यहां पर देखें इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, 3 की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लोरीन में भी देख लो sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई सॉरी एलपी, एलपी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे 3 है तो सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, LP3 है, टोटल हो गया 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब फ्री रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अयुग्मित किसी भी परमाणु में, अणु में या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से यह पैरामैग्नेटिक होता है। इस तरह से ये अत्यंत क्रियाशील होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करने की इसमें क्षमता है, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील रहेगा, बहुत ही अधिक अस्थायी होगा। इस प्रकार से ये हुआ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को अगर आप परिभाषित करो तो कैसे करोगे, अभिक्रिया के दौरान होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनने वाले परमाणु या परमाणु समूह जो जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं या अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, अनुचुंबकीय होता है, लिख दो, उन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये इंटरमीडिएट है। कुछ एग्जांपल मैं इंटरमीडिएट का यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। कुछ फ्री रेडिकल देखें, CH3 फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल, इसका स्ट्रक्चर होगा CH3, CH2 पर एक कार्बन पर डॉट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसी में, तो ये कहलाएगा इथाइल फ्री रेडिकल। ये कहलाती है, स्ट्रक्चर कहलाते हैं एलाइल। यहां पर देखें कि इसके अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है और इस पर डॉट लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एलाइल फ्री रेडिकल। ये टर्शरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर है तो बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। इससे से क्लोरीन है तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बोला जाएगा। फ्री रेडिकल की खोज किया था पेनेथ एंड होफिज ने, तो ये इन्होंने इसकी खोज किया था और ये बताया था कि इस तरह से रिएक्शन के दौरान कुछ फ्री रेडिकल बनते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। फ्री रेडिकल की संरचना क्या होगी, इनके बारे में बातें करें। चलिए हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे CH3 फ्री रेडिकल। तब इसमें कैसे सोचें, जरा देखिए। आप जानते हैं कि कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका मतलब है कार्बन की 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि कार्बन पे क्या देखते हैं, s एक होता है और इसमें p होते हैं, इनमें सभी पे एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करती है और इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 बनेंगे। जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इन सबको sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। लेकिन ये 2pz ऑर्बिटल जो है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइज नहीं होती है। तब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 है, 1 2 3, ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का, जिसमें एक लोब पूरा होता है और एक रिड्यूस्ड होता है। तब ये एक sp2 ऑर्बिटल हुआ जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
दूसरा sp2 ऑर्बिटल हुआ जिसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तीसरा sp2 ऑर्बिटल है, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री का होगा। इन तीनों के साथ तीन हाइड्रोजन परमाणुएं जुड़ी हुई हैं उसके s ऑर्बिटल के साथ, तो ये पेयर बना लिया। इनके साथ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और इस जगह पर भी ये पेयर हो गया। इस तरह से तीनों जगहों पर सिग्मा बॉन्ड आ गया। और देखें इनमें ये जो बचा हुआ ऑर्बिटल है 2pz वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तब ये 2pz ऑर्बिटल इस तरह से होगा और इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी जगह ये लिखूं R3c डॉट, तब इन जगहों पर होगा H की जगह होगा R, और R है मतलब हम कह सकते हैं कार्बनिक श्रृंखला है। तुम ये भी कह सकते हैं कि भी ये कार्बनिक श्रृंखला वाला पार्ट है और ये इस तरह से एक R है, तो इतना ना लिखते हुए कुछ लोग ऐसे ही लिख देते हैं R R R, और ये तीनों जगहों पर। या फिर सिंपल वे में लिखना है तो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को आप इस तरह से लिख लो और तीनों जगह पर R जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है आपका, सेंटर कार्बन है, ये लीजिए कार्बन, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसमें 120 डिग्री का कोण है। आप अपना मन बनाइए किस तरह इसको समझते हैं, बाकी बहुत इजी है। तो हम समझ गए किसके स्ट्रक्चर, फ्री रेडिकल का हमने स्ट्रक्चर देखा, वो कैसा है, त्रिकोणी है, ट्रायंगुलर या प्लेनो ट्रायंगुलर कर लीजिए, प्लेनो समतली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये, समतली त्रिकोणीय संरचना। दूसरी बात हो गई इसमें एंगल है 120 डिग्री का, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो किसमें है 2pz ऑर्बिटल में है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो यह हुआ संरचना। स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व, फ्री रेडिकल का स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसके स्थायित्व को मुख्य दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला है प्लस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या होते हैं उनके बारे में आगे की क्लासेस में बताऊंगा और उन पे डिटेल करेंगे, अभी सिर्फ समझना है थोड़ी सी बात कि प्रेरणिक प्रभाव क्या कर सकता है। प्लस आई प्रभाव एक ऐसा समूह जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर करता है प्लस आई समूह कहलाता है। दूसरी बातें होंगी अनुनाद रेजोनेंस। दो चीजें फ्री रेडिकल के स्थायित्व को प्रभावित करती हैं और वो कुछ इस तरह से, अगर प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है तो फ्री रेडिकल का स्थायित्व अधिक होगा और माइनस आई प्रभाव पड़ रहा है तो इसके स्थायित्व को कम करेगा। दूसरी बात होगा रेजोनेंस यानी अनुनाद। अनुनाद जितना अधिक होगा, अनुनादी संरचना जितनी अधिक बनाएगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। अब हमें यह समझना है कि ये प्लस आई प्रभाव, थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का बता देता हूं, अगर कोई समूह जुड़ा हुआ है कार्बन की श्रृंखलाओं में इस तरह से और हम कह रहे हैं कि उसमें प्लस आई समूह जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, अपने से दूर भेजता है और इस तरह से श्रृंखला की ओर प्रेषित करती है। माइनस आई समूह जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करती है श्रृंखला के, कुछ इस तरह से। ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, आगे आपको पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात बता रहा हूं। तो प्लस आई प्रभाव कौन डालता है, प्लस आई प्रभाव डालता है वो है CH3, उससे ज्यादा प्लस आई प्रभाव डालता है C2H5, उससे अधिक प्रभाव डालता है CH3 twice CH। तो ये जो समूह होते हैं वो प्लस आई समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं यानी श्रृंखला की तरफ भेजते हैं। अब एक एग्जांपल देखें, तो हमने कहा है कि प्लस आई प्रभाव डालने वाले समूह अगर उसमें लगा होगा, वो कार्बन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस पर लगा होगा जिसके कारण से वो फ्री रेडिकल है,
तो इससे उनकी स्थायित्व में कमी आएगी। कैसे? जरा देखिए, एक है मेरे पास CH3 फ्री रेडिकल, दूसरा मेरे पास है CH3 CH2 फ्री रेडिकल, तीसरा है CH3 दो बार फ्री रेडिकल, और एक और ले लेता हूं मैं। अब ये समझेंगे, ये मिथाइल है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, इसमें एक कार्बन श्रृंखला जुड़ा हुआ है, यानी जिस कार्बन पर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है वो उस परमाणु से, उस समूह से जुड़ा हुआ है जिसको हम कार्बन श्रृंखला कहते हैं, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्या होते हैं हमने बता दिए हैं आपको, तो वहां जाकर के आप देख लीजिए। फिर यहां पर ये फ्री रेडिकल पार्ट में देखो, दो कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। इस पे ध्यान दें, इस कार्बन से तीन बार तीन कार्बन के समूह जुड़ी हुई है, यानी कि ये टर्शरी फ्री रेडिकल है। हमने अभी बताया था कि ये प्लस आई समूह होते हैं, CH3 प्लस आई समूह होते हैं, H ना प्लस आई समूह है ना माइनस आई समूह, इलेक्ट्रॉन को किसी भी दिशा में स्थानांतरित नहीं करेगा। यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दान करेगा, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना फ्री रहेगा, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन साझे के लिए नहीं आएगा जब तक ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है। यहां पर ध्यान दें, CH3 है प्लस आई समूह, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ स्थानांतरित कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अकेला है तब तक वो ज्यादा क्रियाशील होगा। इस CH3 के द्वारा इसकी तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की मांग है, उस मांग की पूर्ति कर रहा है CH3, सो इनकी क्रियाशीलता कम होने लगेगी। क्रियाशीलता कम होने लगेगी मतलब क्या हुआ, इसका स्थायित्व बढ़ेगा। यहां पर दो बार जो CH3 है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेषित कर रहा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की मांग कुछ हद तक पूरा हो रहा है, तो इसकी क्रियाशीलता और कम हो जाएगा। इसमें आते हैं, तीन बार इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रही है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन की मांग पूरा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मांग पूरा हो रहा है, इससे इसकी क्रियाशीलता और भी कम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि CH3 की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी क्रियाशीलता कम होती जा रही है, मतलब स्थायित्व तो बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे दो बातें, मैं इसको A ले लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं और इसको D मान लूं। तो हम देख रहे हैं क्रियाशीलता का क्या क्रम आ रहा है, स्टेप यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता कम होती जा रही है, ए की तुलना में बी की कम है, बी से सी का कम है और सी की तुलना में डी का कम है। स्थायित्व, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम। याद रखेंगे, कोई पदार्थ जितना ज्यादा क्रियाशील रहेगा उतना ही कम स्थायी है, स्थायित्व और क्रियाशीलता में विपरीत संबंध है। तो क्या हुआ, ए की तुलना में बी अधिक स्थायी है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मिल रही है, तो अयुग्मित होने की जगह पे उसको सपोर्ट मिल रहा है कि भाई वो डबल हो सकते हैं, डबल तो कभी नहीं हो पाएगा पर उसको सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह से सी और ज्यादा स्थायी है और डी उससे ज्यादा स्थायी है। तो मतलब हुआ, ये हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल की तुलना में प्राइमरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्थायी है, सेकेंडरी और ज्यादा स्थायी है और टर्शरी उससे ज्यादा स्थायी है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 फ्री रेडिकल की तुलना में क्रियाशीलता के साथ प्राइमरी ज्यादा क्रियाशील है, सेकेंडरी क्रियाशीलता इसकी अधिक है, टर्शरी और कम क्रियाशील है। इस तरह से स्टेबिलिटी की बात करें तो मिथाइल फ्री रेडिकल की तुलना में प्राइमरी ज्यादा स्थायी है, सेकेंडरी और ज्यादा स्थायी है और टर्शरी और ज्यादा स्थायी है। हम यहां पर प्राइमरी की जगह पे स्मॉल पी लिख करके भी काम चला सकते हैं, इसको सेकेंडरी एस और टर्शरी के लिए स्मॉल टी संकेत का उपयोग करते हैं।
एक और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू डॉट। यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस करती है और रेजोनेंस के बारे में हमने बातचीत करने हैं आगे। हमने केमिकल बॉन्डिंग में कुछ हद तक बताए हैं, लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से ये दो स्ट्रक्चर बनाता है, सी एच टू इलेक्ट्रॉन अयुग्मित सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ये दो संरचनाओं में परिवर्तन होती रहती है, या दो संरचनाओं का पार्ट होता है, या दो संरचनाओं में होती है। तो इसका मतलब ये दो अनुनादी संरचनाएं होने की वजह से, अनुनादी संरचना के रूप में होने की वजह से ये इन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, इन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, यानी सबसे क्रियाशीलता इसकी कम होगी। दूसरी बात होता है बेंजाइल सी एच टू, बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसमें पांच अनुनादी संरचनाएं बनेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो इसको मैं बोल दूं ई और इसको बोल दूं एफ, तो स्थायित्व की बात करें तो क्या होगा, इनसे ज्यादा ई और इससे ज्यादा एफ का स्थायित्व अधिक होगा, और क्रियाशीलता की तुलना बात करें तो इन सबसे क्रियाशीलता इसकी कम होगी। ई की क्रियाशीलता कम होगी, रिएक्टिविटी, और एफ की और भी कम होगी, तो ये बहुत ही कम क्रियाशील होगा। इन सब में एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं तब उससे ज्यादा क्रियाशील, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से अपन इसकी क्रियाशीलता और स्टेबिलिटी के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। इनको हम याद रख सकते हैं, याद भी रखना है, समझना भी है, समझेंगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, और याद करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये वॉश हो जाएगा आपके दिमाग से। फ्री रेडिकल के स्थायित्व का क्रम हमने जो भी बताया आपको, जो समझाए गए हैं उनमें देखें, हमने उन्हीं को एक ऑर्डर में लिख दिए हैं। बेंजाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है उसको हम सही तरह से अरेंज करके लिख दिए हैं, और देखिए इसमें क्या, बेंजाइल फ्री रेडिकल के तुलना में ये सबसे ज्यादा स्थाई है, उसके तुलना में एलाइल फ्री रेडिकल जो है कम स्थाई है, टर्शरी उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और मिथाइल फ्री रेडिकल जो है सबसे कम स्थाई होता है। यानी स्थायित्व तो जो है बढ़ती है तब जब उसमें आर की संख्या बढ़ती है, साथ में ये रेजोनेंस के कारण है, इसमें तीनों में, इन चारों में अगर प्रभाव है तो प्लस आई प्रभाव की वजह से है, तो प्लस आई प्रभाव इस तरफ बढ़ती जा रही है, और इसमें रेजोनेंस की संख्या, इसमें दो रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर बनेगा जबकि इसमें पांच बनेगा, तो इस कारण से जितना ज्यादा अनुनादी संरचनाओं की संख्या होगी उतना ज्यादा स्थायी होगा। तो इस तरह स्थायी तो जो है वो रेजोनेंस की वजह से है, अनुनादी संरचनाओं की वजह से है, इस वजह से ज्यादा स्थायी है। ओके, इनको नोट कर लीजिए। एल्केन का हेलोजनीकरण या एल्केन का क्लोरीनीकरण जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के आधार पर होता है, यानी कि कुछ समय के लिए फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। इंटरमीडिएट एल्केन के क्लोरीनीकरण में इंटरमीडिएट जो बनती है वो फ्री रेडिकल होता है। जरा देखें वो कैसे है, सी एच फोर का क्लोरीन से क्रिया, हम ये कह सकते हैं सी एच फोर का क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण, ये एक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन को क्लोरीन हटाता है। देखें रिएक्शन क्या है, सी एच फोर प्लस सी एल टू, इसमें क्या होगा, एक सी एल एक एच को हटा करके निकल गया एच सी एल बन करके, और प्लस बन गया सी एच थ्री सी एल। अगर आप बहुत गहरे में जाना चाहते हैं इसमें क्या हुआ है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही तो बातों को कुछ इस तरह समझ सकते हो आप, सी एच फोर में ये है बॉन्डिंग और सी एल के साथ ये है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूट जाता है और दो फ्री रेडिकल का निर्माण करता है, एक सी एल फ्री रेडिकल और दूसरा सी एल फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। दूसरी तरफ चले, जैसे ये फ्री रेडिकल इसके पास आती है तो कोई भी एक वाला हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड वैसे ही फ्री रेडिकल बनाती है, होमोलाइटिक फ्यूजन यहां पर भी होता है, तो क्या बनेगा, एक बन गया सी एच थ्री फ्री रेडिकल और दूसरा बन गया एच फ्री रेडिकल। एक क्लोरीन का एच के साथ इनकी एक
फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है और इस कारण से इस जगह पे बन जाएगा HCl। क्यों? क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अनपेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग किया और HCl का निर्माण हो गया, दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध का निर्माण हो गया। अब बच गया एक फ्री रेडिकल Cl और दूसरा बच गया CH3Cl, दोनों आपस में वैसे ही जुड़ेंगे जैसे H और Cl जुड़ा था। इस तरह से इसमें दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी क्रियाशील है ना, रिएक्टिव है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके इस तरह का फिर से बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब क्या बन गया देखिए, ये लीजिए, तो दो फ्री रेडिकल मिलकर के एक कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। तो बीच में क्या बना? बीच में बना फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल ने दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट कराया और ये रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को जब आप कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो भी समझ लेते हैं। चलिए मैकेनिज्म, यानी कि रिएक्शन की क्रियाविधि। क्रियाविधि किसको बोलते हैं? कोई रासायनिक अभिक्रियाएं जितने पदों में होकर गुजरती हैं उन मध्यमिक पदों को दर्शाने वाली रिएक्शंस को हम क्रियाविधि बोलते हैं, यानी होने वाली जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनको हम वहां पे दर्शाते जाते हैं, पूरा मिला करके उसको मैकेनिज्म कह देते हैं। तो देखें क्या हुआ। सबसे पहले ये क्लोरीन क्लोरीन प्रथम पद, चलिए मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद। प्रथम पद में होता यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन टूट जाता है, क्लोरीन में होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, देख सकते हो, समांगी विखंडन होता है ना, समांश विदलन होता है। तो इस तरह से बन गया, दो फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया, इसको कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। सेकंड देखें, द्वितीय पद CH4 में ये जो Cl फ्री रेडिकल बना है, अब इसने क्या किया, आपको अभी दिखाया था मैंने कि कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें होमोलाइटिक फिजन कराती है जिससे बनता है H फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल के साथ ये Cl जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HCl प्लस बच गया CH3 फ्री रेडिकल, जिसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। तृतीय पद देखें, CH3 फ्री रेडिकल जो है, अब क्लोरीन तो वहां से हो सकता है खत्म भी हो गया होगा कुछ एक फ्री रेडिकल बनने के बाद, तो ये जो CH3 फ्री रेडिकल है क्लोरीन ClCl यानी Cl2 के बीच का बॉन्ड को वो भी तोड़वा देती है, यानी फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करती है। इस तरह से इसमें होमोलाइटिक फ्यूजन करा दिया और बन गया CHCl फ्री रेडिकल हो गया, CH3 हो गया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो CH3Cl फ्री रेडिकल हुआ और यहां पर निर्मित हो गया एक फ्री रेडिकल। ये इनके साथ क्रिया करके एक HCl फिर बना सकता है, देखें अगर आगे भी जाते हैं तो, या फिर इस रिएक्शन को इतना ही कराना चाहते हैं, इतना ही दिखाना चाहते हैं तो आप यहीं पर टर्मिनेट कर दीजिए। चतुर्थ पद, अभिक्रिया टर्मिनेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, अभिक्रिया का समापन हो जाता है, तो Cl और भी फ्री रेडिकल होंगे, दोनों दो फ्री रेडिकल ClCl मिलकर के बना लेगा Cl2, अभिक्रिया खत्म हो गई इतना होने के बाद। या CH3 फ्री रेडिकल नहीं मिल सकते क्या? मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, CH3 फ्री रेडिकल कुछ मिलकर के C2H6 का निर्माण कर लेगा, तो अभिक्रिया समापन इस तरह से हो जाती है। बीच बीच में इसको लाइट देने की जरूरत है क्योंकि Cl2 बन गया, उसको भी तोड़ना है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल होने को, इसकी मैं डिटेल्स आपको और पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एल्केन्स पढ़ाऊंगा, वहां पर इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। ये रिएक्शन के दौरान और भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, तो इतनी सारी बातों को हम करेंगे। यहां पर मुझे फ्री रेडिकल क्या है, कैसे काम करता है, रिएक्शन को कैसे आगे संपादित करती है, यह बताने के लिए मुझे ये एक एग्जांपल देना पड़ा जिसको आपको करा रहा हूं, बस छोटी सी पार्ट में इसको दिखा रहा हूं मैं आपको। इनको आप मेहनत करिए, देखिए अच्छा लगेगा आपको। हम एक ही बात बोलूंगा, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है और आपको समझ में आया फ्री रेडिकल क्या है तो बिल्कुल मेरी क्लास को आप लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे हमें और भी काम करने का मन बनेगा
और जितना मन बनता है उतनी हम ज्यादा एनर्जी से आपके लिए काम करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप भूले नहीं लाइक करना, तो चलें, क्योंकि आपका लाइक करना बहुत मायने रखता है भाई। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फोन आ रहे हैं कि सर, आपके चैनल के सारे वीडियोज नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले YouTube में जा करके विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें, फिर अब आप YouTube बंद कर दीजिए, फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहां पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माय चैनल। जैसे ही माय चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोज खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।